आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये खबर सामने आई कि वहाँ हिंसाएं, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग भी दहल गए। ये देखने को मिला कि किस तरह से वहाँ पर लोगों के घरों में आग लगा दी गई। तस्वीरें जो सामने आई उससे ये बात साफ हो गई कि किस तरह से वहाँ पर हिंसक झड़पें हुई। हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि दुर्गा माता के विसर्जन के दरमियान एक यात्रा निकलती है और उसी यात्रा के बीच और कहा जा सकता है दो समुदाय के बीच जो है एक झड़प की तस्वीर वहां से सामने आती है। मामला ये सामने आता है कि एक नौजवान जिसका नाम रामगोपाल मिश्रा है, वो लड़का जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति के छत पर चढ़ जाता है और वहाँ पर हरा झंडा को हटा करके भगवा झंडा स्थापित कर देता है। तभी आरोप है कि उसी घर के कुछ फर्द ने जो है उस व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। बाद में आप तमाम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले पर इनकाउंटर की कार्रवाई करते हुए दो लोगों के पैर में गोली भी मार दी और वैधानिक कार्रवाई अभी चल रही है। एक तरफा गिरफ्तारी पर कई सारे सवालात जो है अलग अलग नेताओं के द्वारा खड़े भी किए जा रहे हैं। इस बीच जो तस्वीरें वहां से सामने आई थी वो काफी परेशान करने वाली थी। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के लोग गाड़ियों में बिठा करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है रेस्क्यू कर रहे थे और उन्हें अपने घर से कहीं और भेज रहे थे कि शायद उनकी जान बच सके, क्योंकि हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। उन हालातों के बीच जो तस्वीरें आई, दुकानों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दिया गया, आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियाँ फूंक दी गई, चाहे बाइक्स हो चाहे फिर कार हो, किस तरह की तस्वीरें थी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह से जब रामगोपाल मिश्रा का अंतिम यात्रा निकाला जा रहा था उसमें हजारों की भीड़ में जो लोग शामिल थे उनके हाथों में हथियार था और उन हथियारों से उन लोगों ने जो है बाद में हिंसक झड़पें की, जो तस्वीर भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। अब चूंकि हालात काफ़ी ख़राब हुए, ऐसे में हैदराबाद से आप तमाम लोग जानते हैं, तेलंगाना हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान खान, ये बॉलीवुड वाले सलमान खान नहीं है, यानी कि इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है, तेलंगाना से है और इनका एक काफ़ी चर्चित एनजीओ है जिसे आप तमाम लोग जानते होंगे, जो हैदराबाद यूथ करेज के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद यूथ करेज के जो फाउंडर है उनका नाम है सलमान खान, जो आप तमाम लोग जानते हैं कि कई जगहों पर जहाँ पर लोगों की मदद करने की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को माली मदद करते हैं, ये चंदा एकत्रित करते हैं, देश भर के लोगों के द्वारा जो है इनकी मदद की जाती है, फाउंडेशन की मदद की जाती है और फिर ये फाउंडेशन जो है अलग अलग लोगों को जो है वो मदद पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो HYC है, ये जो सलमान खान है, ये सिर्फ मुसलमानों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि इनके कई सारे वीडियोस आप देखेंगे जहां पर जिन्हें भी ज़रूरत होती है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम समुदाय का हो, उन्हें जो है मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसे में इन्होंने कल एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में इन्होंने ये बात कही कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के बहराइच जाएंगे और वहां पर जिन मजलूमों के साथ गलत हुआ, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिन बेकसूरों को मारने की कोशिश की गई, जिन बेकसूरों के दुकानों को आग लगा दी गई, हम उनके पास पहुंचेंगे और उनकी माली मदद करेंगे ताकि उनका जो है हौसला एक बार फिर बुलंद हो सके और वो एक बार फिर जो है खड़े होने की कोशिश कर सके। ऐसे में सलमान खान जो है वो तेलंगाना से निकल करके उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खुद इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो HYC के संस्थापक यानी कि सलमान खान के स्टोरी पर इस बारे में जानकारी दी गई, एक तस्वीर भी साझा की गई जिसमें आप देख सकते हैं, ये सलमान खान की ही तस्वीर है, आप इन्हें देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक बैग है, इस बैग में काफी सारा पैसा होता है और ये पैसा, ये चंदा, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 इन्हें चंदा देता है और उसके बिना पर ये लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सलमान खान एक व्यक्ति हैं जो लोगों से चंदा एकत्रित करते हैं, मांगते हैं कि भैया आप हमें दीजिए, हम वहां पहुंच करके उनकी मदद करेंगे और इन्हें पैसा दिया जाता है और ये फाउंडेशन जो है वो जाकर के मदद करती है। तो सलमान खान जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तब उनके साथ क्या होता है, इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जनाब को प्रशासन ने यानी कि यूपी पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया। अब आपको इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी हम दे दें कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या बातें सामने आई है। देखिए, ये एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मुस्लिम रिलीफ वॉरियर्स ने एक ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए जा रहे HYC के संस्थापक सलमान खान को बहराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के महाराजगंज में मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए जा रहे थे, इसी दौरान बहराइच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या जरूरतमंदों की मदद करना कोई अपराध है?
और सलमान खान के ट्विटर अकाउंट से सलमान खान HYC से ये जानकारी साझा की जाती है कि सलमान खान HYC अरेस्टेड बाय UP पुलिस, क्या किसी की मदद नहीं कर सकते, रिलीज सलमान खान HYC। ये एक ट्रेंड जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, क्या कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, जो दंगाइयों से पीड़ित हैं उनकी मदद पहुंचाने में क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, इसको लेकर के खैर अभी कुछ लम्हों के बाद मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बयान जारी किया जाए। अभी तक जो हमारे पास खबर पहुंची है वो ये कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन्हें गिरफ्तार करने की कोर वजह क्या है ये तो बाद में पता चलेगी प्रशासन के द्वारा जब सूचित किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये जो सलमान खान ने बताया उनके मुताबिक कि मदद करने के वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है पूरे मामले पर आगे क्या कुछ जानकारी सामने आती है, लेकिन अगर ऐसी बात है कि किसी की मदद करने पर किसी की गिरफ्तारी हो तो यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता, ना ही संवैधानिक तौर पर, ना ही सामाजिक तौर पर और ना ही इंसानियत तौर पर। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार नहीं हुआ है, HYC के सलमान खान को कई बार प्रशासन ने डिटेन किया है लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।